तो भूले नहीं मुझे अब तक। ये आंखें भुलाई जा सकती हैं? इतनी शदीद नफरत से कोई और नहीं देखता मुझे तुम्हारे सिवा। जब अच्छी तरह जानते हो मेरी नफरत को, तो मेरे भाई से मुलाकात किस लिए? जवाब दिया तो है अभी, ताकि एक मकसद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। गलत फहमी है तुमको, तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं मैं यहां। तुमने अगर हमको धोखा दिया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हारे भाई को क्यों बुलाता अगर तुम्हें धोखा देना होता? इतने बरसों कहां रहे? मुत्तहिद होने का ख्याल अब क्यों आया तुम्हें? क्योंकि दुश्मन भी इत्तहाद कर चुका, और अगर हम बिखरे रहे तो वो हमें जिंदा निकल जाएगा। सुना तो है तुम्हारा वतन खून से लाल कर दिया है दुश्मनों ने। जाहिर है तुम्हें हमारी मदद चाहिए, क्योंकि तन्हा उससे निमट नहीं सकते। दुश्मनी ने अंधा कर दिया है तुम्हें, इसलिए देख नहीं पाई। अब कुछ देखने का फायदा नहीं सुल्तान नूरुद्दीन, बहुत देर हो चुकी, क्योंकि बरसों पहले तुम हमसे हमारा वतन छीनकर ये मौका खो चुके। मेरा बाप इस दुनिया से तुम्हारी वजह से एड़ियां रगड़ते हुए गया, हार गए तुम। मेरे सुल्तान, ग्रेगोर ने खैमा बस्ती वाले रास्ते पर छुड़ाए गए कैदियों को मार डाला। मंसूर का बेटा मारा गया, अस्कलानी बिपरे हुए हैं, वो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं किसी भी वक्त। हमें फौरन मंसूर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि पहले हमें उनका गुस्सा ठंडा करना है। वो हमें अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझ रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो हमें देखकर और भड़क उठे। अगर हम उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, तो फिर इसकी सजा भी हमें भुगतनी होगी। कुछ